Hi everyone. Today we discuss some topic which is related to science. For living organism, we know that we need food. हम सभी जानते हैं कि अगर जो भी जीवित चीज़ें हैं living things, उन्हें जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है. They need food and how they prepare their own food. हम जैसा अपना भोजन यानी कि फूड जो है हम खुद बनाते हैं. And what about the plant? पेड़ पौधे ये कैसे करते हैं, ये चीज़ें आज हम जानेंगे इस व्लॉग में, इस वीडियो में. So keep watching. Plant prepare their food with the help of photosynthesis. Okay, plant need sunlight and carbon dioxide from air and water from soil. So, to prepare their food. Photosynthesis takes place in लीव्स. जो फोटोसिंथेसिस यानी कि हिंदी में जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है वो पत्तियों में होती है, लीव्स में होती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे पत्तियों की. लीव्स हैव ए टाइनी स्पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें स्टोमेटा होता है. छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिनमें स्टोमेटा होता है और थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द प्लांट. तो उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के लीव्स में एक्सचेंज होते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है स्पोर्स में. नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट. अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ऑर्गेनेल ही है. काफ़ी सारे ऑर्गेन ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, ये हम आगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, लीव्स के अंदर सेल्स हैं, तो ये जो प्लांट सेल है इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे. और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या फिल होते हैं, क्लोरोफिल. और ये जो क्लोरोफिल हैं ये सनलाइट जो है एब्जॉर्ब करते हैं और यही जो है सनलाइट को बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस दे चेंज द फूड. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एंड ग्लूकोज गिव्स नॉरिशमेंट टू द प्लांट. प्लांट को ग्लूकोज से पोषण तत्व मिलते हैं यानी कि वो उसका फूड है और वो उसे बाद में स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में. द एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर लेटर यूज. बाद में उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो कैमल होता है, ऊँट, उसका हम बना होता है कुबड़, तो वो क्या करता है, काफ़ी दिनों तक के बिना खाए पिए वो रह सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर हम. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज में. किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के. तो आज हमने जो एक छोटा सा डिस्कशन किया है ये जनरली आपको क्लास सेवन्थ
सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट चैप्टर पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, दंड ना दंड, डन।